गुड मॉर्निंग। सो मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले, थोड़ी लेट तो मैं उठी थी, लाइक अराउंड 7:45 हो रहे थे, बट मौसम थोड़ा अच्छा था तो इसलिए मैं बस चाय लेके अपनी बाहर पहुंच गई और थोड़ा ऐसे ही बाहर देखने लग गई। आज का व्लॉग जो है वो ऐसे ही रेगुलर व्लॉग है कि मैंने पूरे दिन छुट्टी के दिन क्या क्या किया। तो नेक्स्ट मैंने, क्योंकि छुट्टी वाला दिन था और मैं रोज़ बोरिंग खाना खा के लिटरली पक चुकी थी, क्योंकि अभी कोई भी हाउस हेल्प आ नहीं रही है तो आपको खुद ही सारा काम करना है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं इडली बनाऊंगी। मैंने स्पेशली इडली का बर्तन भी मंगवाया और इडली का ये रेडीमेड मिक्स भी मंगवाया। इसमें पीछे पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, इट वाज़ क्वाइट इजी, क्योंकि आप पढ़ो एंड इट वाज़ वेरी सिंपल एक्चुअली, कि आपको उसको डालना है राइस इडली का ये मिक्सचर था, सूजी का भी आता है, और उसके बाद थोड़ी खट्टी दही मिलानी है और उसके बाद आपको उसको पानी मिलाना है। तो इस तरीके से आपका जो मिक्सचर है, वो जो बैटर है, वो रेडी हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर ये दही डाली और मैंने एक्चुअली काफ़ी सारा बैटर तैयार किया था, बिकॉज आई वाज लाइक कि दिन में भी खाऊंगी और मैं रात में भी यही खा लूँगी, क्योंकि आप अकेले रह रहे होते हो और मैं अब ऑलमोस्ट 3 महीने से अकेले रह रही हूँ, जब से लॉकडाउन हुआ है एग्जैक्टली मार्च से, उससे पहले से ही। तो मैं काफ़ी टाइम से, और से एक महीने तक काफ़ी वर्क प्रेशर था, तो मैंने ऐसे ही, मतलब काफ़ी काम था, रिसर्च वर्क था फॉर द गुड ऑफ पीपल ओनली, लेकिन आपको हाँ काम तो है, तो काफ़ी स्ट्रेस था। मैं कुछ भी उल्टा सीधा दूध ब्रेड वही सब खाती थी। तो यस, ये मैंने पानी मिलाया और उसके बाद इसको अच्छे से फेंटना था, सो दैट कि ना कोई लम्स ना रहे, आपको इसको अच्छे से फेंटना है। एंड आई फाउंड इट रियली ईजी, मतलब रियली ईजी इन द सेंस कि आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि आपको कैसे कैसे करना है। दही नो डाउट मैंने थोड़ी खट्टी कर ली थी और बैटर मैंने एक दो बार वीडियोस भी देख लिया था कि बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, एकदम फ्लोई ना हो और एकदम थिक भी ना हो, तो वो एकदम ऐसा भी ना हो कि बह जाए वेसल में डाल के। और इसको अच्छे से मिक्स करना था कि लम्स ना रहे, और क्योंकि दही खट्टी थी ना तो इनो विनो कुछ डालना नहीं पड़ा। आपको इसमें बबल्स दिख रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा, मतलब ये फूलने के लिए होता है खट्टी दही। ये मैंने बैटर को 10 मिनट छोड़ दिया था। उसके बाद जब मैंने इसे, और ये जो बर्तन है ना, अगर आप इसमें हल्का हल्का ध्यान से देखेंगे तो ऑयलिंग की हुई है, तो मैंने इस इडली के बर्तन पे ग्रीसिंग कर ली थी एक बार, घी या रिफाइंड जिससे भी आप करना चाहो। एंड उसके बाद मैंने ये अपना बैटर डाला, और बैटर अगर आप कंसिस्टेंसी देख पा रहे हो बहुत फ्लोई नहीं है, और पैक करने से क्या होता है, एयर बबल्स निकल जाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा बनता है। और ये इसमें मैंने पूरा अच्छे तरीके से साथ के साथ ना सांभर का सामान भी रेडी कर रखा था, सो दैट ऐसा ना हो कि बहुत, मतलब डीले हो जाए और मैं एक साथ काफ़ी सारा खाना बना रही हूँ। तो मैंने ये इडली बनने के बाद, मतलब इडली का जो कुकर होता है 10-15 मिनट नीचे पानी उबल रहा होता है, वो रखना होता है, तो कुकर की साइड में आपको दिख रहा होगा, और ये 10 मिनट के बाद ऐसे ही दिया, काफ़ी अच्छी इडलियाँ बनी थी। उसके बाद ये जो बर्तन है ना, ये मेरा फेवरेट बर्तन है, बिकॉज बर्तन आई मीन टूल है, किचन टूल जो है, मैं सेलिंग में डालने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत मज़े आ रहा है यार। मतलब आप इजीली प्याज व्याज डालो, 2-3 बार घुमाओ एंड यू आर गुड टू गो, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बस इसकी ब्लेड को बचा के काम करना होता है, अदरवाइज इट्स गुड। और इडली तो बनी हुई थी, सांभर के लिए मैंने बेसिक दाल, अरहर की दाल, हल्दी, लाल मिर्च वो सब डाला और इसको चढ़ा दिया। और ये मैंने थोड़ा साबुत मसाला और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई कि गरम मसाला है, ये प्याज है, शिमला मिर्च, टमाटर और मटर, हरी मिर्च, लहसुन, कड़ी तेज़ पत्ता, कड़ी पत्ता, और ये मैंने खीरे भी डाल दिए थे, लौकी थोड़े पास थी मेरे पास, और ये सांभर मसाला दैट वाज ऑल रेडी विद प्री रिक्विजिट्स। ये जो ब्लॉग था, ये था कि मैंने ऑलमोस्ट पूरा दिन, जब मैं लॉकडाउन के टाइम पे अकेले होती थी तो मैं कैसे करती थी छुट्टी वाला दिन, अदरवाइज बाकी दिन ऑब्वियसली काम होता है। बट उसके बाद उसी दिन इवनिंग भी नहीं, एक्चुअली दोपहर की न्यूज़ है, बट मैंने जब मैं एक छोटी नैप लेके उठी, मैंने फिर देखा कि किसी ने स्टेटस लगाया हुआ था फॉर सुशांत सिंह राजपूत, एंड आई कुडंट बिलीव इट, मुझे लगा फेक न्यूज़ है यार, कुछ भी फैलाते हैं लोग। और मैंने तुरंत गूगल किया एंड व्हाट आई एंडेड अप फाइंडिंग वाज दैट कि वो न्यूज़ सही थी एंड इट वाज कम्प्लीटली डिसहार्टनिंग। मतलब ऐसा लगा कि बहुत अच्छे से, जिसे आप जानते हो, कोई बहुत करीबी दोस्त हो और बहुत अच्छे से जान पहचान हो,
उसके साथ ऐसा हो गया, पता नहीं। उसके बाद आई कुडंट ब्लॉग, आई कुडंट रिकॉर्ड एनीथिंग, पता नहीं, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक, क्योंकि पता नहीं, मतलब वो हम सब में से लाइक द मिडिल क्लास फैमिली, उसमें से एक लगते थे सुशांत। इट वॉज लाइक, एंड आई पर्सनली लव्ड हिम, मतलब आई वॉज अ बिग फैन ऑफ हिम। मैंने सोम चिरैया तक देखी है, मुझे आई लाइक हिम, मतलब लुक्स वाइज भी और वैसे भी, बिकॉज ही लुक सो लाइवली और ही वॉज सो शार्प, ही वॉज सो इंटेलिजेंट। तो एंड ऑल इज इंस्टा पोस्ट जिसमें वो साइंस रिलेटेड स्टफ डालते थे, तो यूज टू फील कि यार ये बंदा अलग है। मतलब यू कैन हैव एन इंटेलेक्चुअल माइंड, स्टिल यू कैन एक्ट, स्टिल सो यू हैव दैट रियलिटी वाला चेक, एंड यू ऑल्सो हैव दैट वो जो आपका ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत, मतलब जो भी है, मतलब पता नहीं, अभी भी इट्स बीन अ वाइल, स्टिल आई एम नॉट एबल टू अब्सॉर्ब इट, एंड आई नो पूरा नेशन भी वैसे ही शॉक में है। अब चाहे आप किसी को भी ब्लेम कर लो, जिसे जाना था वो चला गया, मतलब। एंड इफ वी फील दिस वेज, आई डोंट नो हाउ इज फैमिली मस्ट बी फीलिंग। मैं रोज न्यूज देखती हूँ कि उनका जो पेट है, और उनकी जो फादर है, उनकी भाभी की न्यूज़ आई, उनकी सिस्टर की न्यूज़ आती है, एक तो पता नहीं। एंड व्हाट आई वुड स्पेशली लाइक टू मेंशन ओवर हियर, मैंने एक न्यूज़ देखी, मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगी वो एक न्यूज़ आइटम। उसमें जो रिपोर्टर थे, ओके दे हैव टू रिकॉर्ड थिंग, फाइनली उनको कुछ मिला है, दे विल गो, दे रिकॉर्ड। एंड यार आप उनके कजिन से बात कर रहे हो, ठीक है, शी मस्ट बी वेरी अटैच टू हिम। शी वॉज टेलिंग कि अभी वो आए थे पिछले साल, इन्हीं दिनों आए थे, और वो वापस आने वाले थे नवंबर में, और ये सारी बातें। एंड देन शी वॉज रिक्वेस्टिंग कि मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे फूफा जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज आप लोग थोड़ी देर के लिए। एंड दैट रिपोर्टर, व्हाइल शी वॉज सेइंग दिस, उसने वो माइक वहां से ले लिया। एंड देन शी इज लाइक कि आपको कैसा लगता है, अरे यार कम ऑन, ठीक है, यू हैव टू रिकॉर्ड थिंग्स, बाहर आसपास वाले लोगों से पूछ लो यार, मतलब इंसान चैन से रो भी नहीं सकता। मतलब उस इंसान ने अभी अपना बेटा खोया है, अभी अपना भाई खोया है, और आप पहुंच जाओ उनके घर, दिस इज कम्प्लीटली इनसेन यार। मतलब क्या ही करते हैं मीडिया वाले यार, अपने ऊपर लेके सोचो। पता नहीं मुझे वो बहुत बहुत बेकार लगा। एंड मीनवाइल जो कि मैंने थोड़ा बहुत बीच में थोड़ा बहुत शूट किया, बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल बैक टू माई होम एज वेल, क्योंकि दिल्ली की सिचुएशन देख के और ये वाली न्यूज पढ़ के भी मेरी मॉम को लगा कि अकेले रहने से बहुत मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, तो देवर लाइक आफ्टर मी कि नहीं जैसे भी करके टिकट करो एंड यू हैव टू कम बैक। तो मैंने ट्रैवल भी किया, वो मैं एक बार अलग से डालूंगी ट्रैवल करते टाइम भी। एंड उसके बाद मैंने स्माइलिंग डिप्रेशन के बारे में थोड़ा पढ़ा, एक्चुअली काफी कुछ पढ़ा, एंड काफ़ी, इनफैक्ट मैंने अपने काम पे लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाली उससे रिलेटेड, उसकी लिंक भी मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने प्रोफेशनली भी उस पर अपने वर्क फ्रंट पे भी कुछ एक स्पेशल कैंपेन किया। एंड आई टोटली फील कि प्लीज़ रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, जो आपको लगता है कि कट ऑफ हो रहे हैं या ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक इंटरफेयर और इंटरप्ट देयर वर्क शेड्यूल, बट ट्राई टू रीच आउट, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So with this note, take care of yourself, take care of your family members, your friends, and इस टाइम पे एक्चुअली लाइक लॉकडाउन के टाइम पे, मतलब आप अपनी मर्जी से घर में बंद हो वर्सेज आपको मजबूरी में बंद होना पड़े, बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन स्टिल ट्राई टू हैव सम मी टाइम, ट्राई टू कीप योर माइंड काम, ट्राई टू इंगेज योर सेल्फ इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। एंड अगर कुछ गलत हो भी रहा है ना, आई नो बहुत लोगों के साथ नौकरियां जा रही हैं, स्टूडेंट्स के पेपर शायद पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, पेपर नहीं दे पा रहे, अलग लेवल का स्ट्रेस है, फैमिलीज कुछ लोग अलग हैं, मैं भी साढ़े तीन महीने अलग रह के आई हूँ, तो आई नो। एंड अभी भी जब मैं घर पे हूँ तो आई एम क्वारंटीनिंग माई सेल्फ, मैं अकेले एक अटैच वॉशरूम वाले रूम में हूँ, तो अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेस है। आपके घर में बड़े लोग हैं तो आपको उनका स्ट्रेस है, और LAC एक नेक्स्ट लेवल, मतलब हर जगह स्ट्रेस है यार। तो बट स्टिल Try to keep your mind calm. दिन में work pressure इतना होता था कि जो चीज़ आप miss करते हो सबसे पहले workout होता है, मेरे साथ ऐसा होता है। 2 comment below अगर आप भी ऐसा ही करते हो कि ठीक है exercise का time हटा दिया, meditation का time हटा दिया, तो मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, which I'm trying to improve. तो please don't do that and take care of yourself. Bye.